वासुदेवं सुतं देवं कंसचानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वासुदेवं सुतं देवं कंसचानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव देवं मम एव देवा त्वमेव सर्वं मम एव देवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे गौरंग महाप्रभु हे माधव हे गोपीनाथ हे कन्हैया हे नंदलाला हे राधा रमन आप ही तो मेरे बंधु हो आप ही तो मेरे सखा हो यू आर माय इटर्नल यू आर माय ट्रू यू आर माय फॉरएवर फ्रेंड जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे इस संसार में फ्रेंडशिप्स डे मना रहे हैं हम आज गाइस इट्स इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे दिस इज योर वेरी ओन जीके दिल की गहराइयों से एक्सेप्ट करो मेरी दोस्ती को प्रणाम है आप सभी को सो वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे लेकिन भाई साहब दिल के कोने में हम सबको पता है कहीं ना कहीं जितने भी हमारे दोस्त हैं ये सब या तो हमारे साथ हैं हमारे पैसों के लिए या तो ये हमारे साथ हैं पावर के लिए या तो ये हमारे साथ है अपने काम निकलवाने के लिए या तो ये अपने हमारे साथ है अपना रुतबा बढ़ाने के लिए बेसिकली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इस संसार में आजकल की जो दोस्ती है वो सिर्फ अपने काम निकालने के लिए मतलबी की दोस्ती है ना जब तक आपके पास पैसा है जब तक आपके पास फेम है जब तक आपके पास नाम शोहरत पावर है तो लोग चिपके रहेंगे आपकी तरफ मक्खियों की तरह लेकिन कृष्ण का प्रेम कृष्ण की जो मित्रता है कृष्णस फ्रेंडशिप विद यू इज गोइंग टू बी इटर्नल कृष्ण कभी भी आपसे दोस्ती ये देख के नहीं करेंगे कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं क्योंकि सुदामा बहुत ही फक्कड़ है बहुत ही गरीब है उसके घर में एक दाना चावल का नहीं है लेकिन कृष्ण सर्वशक्तिमान होकर भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतव तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः ये कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं इनके सामने तो यम ब्रह्म वरुणेंद्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्य यस्तवे सभी देवी देवता इनके सामने स्तुतियां करते हैं प्रणाम करते हैं लेकिन ये द्वारकाधीश चरणों में लिपट गए और अपने हाथों से नहीं अपने जल से नहीं अपने आंखों के जल से अपने आंसुओं से सुदामा ब्राह्मण के क्या कर रहे हैं चरण को धो रहे हैं ही इज द किंग बट ही इज वर्शिपिंग हिज फ्रेंड सुदामा हु इज वेरी वेरी पुअर कृष्णा विल नॉट डू फ्रेंडशिप विद यू बिकॉज यू आर पुअर ही इज अबव ऑल दीज थिंग्स कृष्णा डज नॉट सी योर व्हाट यू कॉल financial status krishna does not see your how learned you are how you know kitna aapke paas gyan hai kitne sundar ho nahi ho hamari dosti to hum dusron se dosti karte hain ki bhai zara hamare jaisa complexion hona chahiye kya wo itna hai matlab main kahin usko leke jaun ya hum kahin usko leke jaye to bhaiya sab unki or dekhe hamari or hi dekhe so krishna's friendship is not on the bodily platform krishna kubja se bhi prem karte hain unse bhi mitrata karte hain jo kubdi hai right so today is the day international friendships day mana rahe hain aapne kitne dost banaye hain aaj tak फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं आपके आपके स्नैपचैट पे फ्रेंड्स हैं इतनी सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग है जो आपने एक्सेप्ट नहीं करी होगी इतनी सारी रिक्वेस्ट आपने भेजी हुई है एवरीवेयर वी हैव मेड फ्रेंड्स स्कूल में थे स्कूल फ्रेंड्स बनाए कॉलेज गए कॉलेज फ्रेंड्स बनाए ऑफिस में आए कॉर्पोरेट फ्रेंड्स बनाए हमने फैमिली के भी फ्रेंड्स है दीज आर माई फैमिली फ्रेंड्स स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स ट्यूशन फ्रेंड्स फ्रेंड जोन में रहते हैं हम ही इज माई पार्टनर इन क्राइम
भाई साहब एक तो क्राइम करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर पार्टनर इन क्राइम, यू नो शी इज ऑलवेज विद मी व्हेन आई डू ऑल दीस यू नो नॉटी नॉटी थिंग्स, दैट गाय इज ऑलवेज विद मी. जब हमें ना तो कुछ टशन करना होता है ना, कुछ फन करना होता है ना, भाई साहब ये बंदा ही इज माई पार्टनर इन क्राइम. तो हमने स्कूल फ्रेंड्स बनाए, हमने कॉलेज के फ्रेंड्स बनाए, हमने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स बनाए, हमने फैमिली फ्रेंड्स बनाए. बट टूडे इज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे. माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, एंड आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग टूडे विद यू ऑल योर वेरी ओन जी के डी. वैसे बाय द वे आप सब जो कमेंट्स कर रहे हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे, सबको प्रणाम है और सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है. इतने दो साल तो हो ही गए हैं, दो ढाई साल हो गए हम सब साथ में हैं, और यू नो वी हैव बीन ट्राइंग टू डू भक्ति टुगेदर. तो आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है. सो भाई साहब आज आपका दिन है, आज उनका दिन है जिनका हर दिन होता है. बेसिकली यू आर ऑलवेज देयर इन माई हार्ट. सो टूडे आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू 5 पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट्स. 5 ऐसी रिक्वेस्ट हैं जो कई सालों से नहीं, बहुत जन्मों से हमारी ओर आ चुकी है. हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई हुई है, लेकिन हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने उनको इग्नोर करा हुआ है. नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग पार्टनर्स इज इन क्राइम, ये सब मैंने आज नहाते धोते हुए सोचते हुए मैंने बोला क्या शेयर करूं यार. फ्रेंडशिप डे के बारे में कितना कुछ गाया गया है, कितना कुछ बोला गया यार. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे या छोड़ेंगे, लिरिक्स मेरे को आते नहीं है, पता नहीं. तोड़ेंगे ना ना ना, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये भी सुना होगा आपने. और यार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, यारा पता नहीं क्या, यारा यारी को पता नहीं, समझ लाइक दैट. एनीवेज बहुत सारे व्हाट यू कॉल फ्रेंडशिप के सॉन्ग्स गाए हैं, बहुत सारे येलो रोज, ब्लू रोज, ब्लैक रोज, रेड रोज, ग्रे रोज हैं जी. सब रोज भी गिफ्ट कर दिए हैं, चॉकलेट्स भी गिफ्ट कर दिए हैं भाई साहब. लेकिन बाद में पता लगा यार, जिसको मैंने मैंने अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसको मैंने अपना हार्ट शेयर किया, शी इज द वन हु डिच्ड मी, ही इज द वन हु इज टॉकिंग गॉसिप्स अबाउट मी, इसने ही मेरे पीठ पीछे. और ये तो खासकर होता ही है, सबके साथ हुआ है. अगर आपके साथ भी हुआ तो मेरे को भी बताना, मेरे साथ भी हुआ है. अपने ही जो है ना, बहुत क्लोज के दोस्त जो हैं, जो आपके साथ उठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ खाएंगे पिएंगे, आपके साथ रहेंगे रूम में, यही वो होते हैं जो आपको क्या करते हैं पीछे, यू नो क्या बोलते हैं, एक टर्म है कि पीठ पे खंजर खोदना, समथिंग लाइक दैट, है ना. तो ये जो दोस्त है ना, कमाल के हैं वैसे, बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं. एंड यू ऑल्सो फील हर्ट कि यार ये मैंने इसको अपना दोस्त माना और इसने मेरे साथ ऐसा करा. इट हैपेंस टू ऑल. प्लीज टेल मी इफ इट आल्सो हैपेंड टू यू और नॉट. वेल एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं. भाई साहब पूरे मूड में बैठना, आज कमाल होने वाला है. इट्स गोना बी अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर श्योर. तो मैं ये कह रहा था कि देखिएगा, तो हमने यू नो पार्टनर्स इन क्राइम बनाए हुए हैं. नाउ इट्स हाई टाइम वी मेक पार्टनर्स इन कीर्तन. हम ऐसे कुछ दोस्त ढूंढे जो हमारे साथ कीर्तन में चले, हम उनको कीर्तन में लेके जाने वाले बने. पार्टनर्स, नाउ द वर्ल्ड नीड्स पार्टनर्स इन कीर्तन, पार्टनर्स इन सेवा, पार्टनर्स इन यात्रा की मैं उसके साथ जाऊंगी, मैं उसके साथ जाऊंगा, ये हमारा ग्रुप है, हम सब मिलकर वृंदावन जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, मायापुर की यात्रा करेंगे. सो पार्टनर्स इन कीर्तन, पार्टनर्स इन यात्रा, पार्टनर्स इन सेवा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स इन प्रसाद. हम सब मिल बैठकर प्रसाद खाएंगे. क्या आपके पास ये दोस्त हैं? आपने स्कूल फ्रेंड्स बनाए, कॉलेज फ्रेंड्स बनाए, फैमिली फ्रेंड्स बनाए, कॉर्पोरेट फ्रेंड्स बनाए, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू मेड एनी स्पिरिचुअल फ्रेंड? प्लीज टेल मी इफ यू हैव मेड स्पिरिचुअल फ्रेंड्स और नॉट. 5 पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं आपकी ओर, जो बहुत समय से आपके पास हैं, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं करी है, हमने इग्नोर कर दिया. लेट मी स्टार्ट दिस सेशन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बड़ी ध्यान से सुनना, कमाल की स्टोरी है, दिमाग घुमा के रख देगी, दुनिया की और लाइफ की सच्चाई है.
एक बच्चा था और उसके घर के आंगन में एक वृक्ष था. देर वॉज अ ट्री, यू नो, देर वॉज अ स्मॉल बॉय एंड इन हिज हाउस, यू नो, इन द कंपाउंड एरिया देर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल ट्री, एन एप्पल ट्री. तो ये बच्चा जो था, छोटा सा है, हर दिन वृक्ष के पास जाता था, वृक्ष के साथ खेलता था, उसकी टहनियों पे लटकता था और उसके सेब भी कभी कभी खा लेता था, राइट. बहुत प्यार करता था ये छोटा सा बच्चा वृक्ष से. वृक्ष को भी बेटे से, बच्चे से बहुत प्यार हो गया, बिकॉज वृक्ष भी एक जीव है, उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं. लिसन टू दिस स्टोरी वेरी केयरफुली, इट्स अ माइंड ब्लोइंग, लाइफ चेंजिंग स्टोरी. ये स्टोरी अगर आपने ध्यान से सुन ली ना, मैं बता रहा हूं, यू विल बी एबल टू लिव लाइफ बेटर. तो बच्चा डेली पेड़ के टहनियों पे टंगता था, तो अब वृक्ष को भी प्यार हो गया, वृक्ष के भी इमोशंस हैं, वो भी एक्सपेक्ट करता था आज भी आएगा बच्चा, आज भी आएगा. तो अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया. अब जब वो स्कूल गया तो पूरा दिन ये जो वृक्ष है ये वेट करता रहता था कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ बात करेगा. लेकिन बच्चा, क्योंकि अब स्कूल जाने लग गया है और स्कूल में उसको और फ्रेंड्स मिल रहे हैं, राइट, तो वो उस वृक्ष को भूल गया. थोड़ा सा और टाइम बीत गया और बच्चा अब नौजवान हो गया, ही इज बिकम यंग. और यू नो, जॉब बड़ी मुश्किल से, तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से क्या हो गई, जॉब मिल गई, लेकिन जॉब वॉज नॉट अप टू द मार्क और उसको सैलरी मिल नहीं रही थी, तो उसके कारण बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लग गया. तो उसके मन में आया, यार उसके दिमाग में उसको अपने दोस्त की याद आ गई, उस वृक्ष की जो उसके घर के आंगन में है. तो बचपन चला गया था, अब जवानी में है. और एक दिन वापस आया और वृक्ष की ओर देखा, वृक्ष बहुत खुश हो गया, मेरा दोस्त वापस आया, बचपन का मेरा यार वापस आ गया, ही बिकेम वेरी हैप्पी. लेकिन जैसे ही वो वृक्ष के पास गया, उस बच्चे का जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ था, गिरा हुआ था. तो वृक्ष ने पूछा, इतने साल बाद आया मेरे दोस्त, तेरे को मेरी याद आई कि नहीं आई? बोला, याद की बात तो मत कर, बहुत मुश्किल से मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करी है, जॉब भी ले ली थी, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं कुछ बिजनेस करूं, मेरे को पैसे कमाने. मेरे दोस्त, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पैसे कमाने में? तो दोस्त ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं. वृक्ष ने बोला, क्यों नहीं, एक काम करो, मेरे वृक्ष पर, मेरे ऊपर बहुत सारे सारे लाल लाल सेब लगे हुए हैं, एक काम करो, तुम ये सारे के सारे सेब निकाल दो, सारे सेब निकालो और उनको बेच दो, और बेचकर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा. सेब को बेचने के बाद तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम कहीं उसको इन्वेस्ट कर देना, नहीं तो आप बैंक में डिपॉजिट कर देना, तो इंटरेस्ट आएगा तुम्हें. तो दोस्त को लगा, यस यस, बहुत अच्छी बात है, क्या आइडिया दिया. उसने कुछ भी नहीं सोचा और बड़ी बेरहमी से उसने उस वृक्ष से जितने भी सेब टंगे हुए थे वो सारे के सारे तोड़कर सारे बेच डाले. वृक्ष सोच रहा है कि अब तो मेरा दोस्त को चैन पड़ गई होगी और उसको अब मेरी याद आएगी, वो मेरे को मिलने आया करेगा. लेकिन अब ये लड़का जो है, अब उसके पास पैसा आ गया, राइट. ये दुनिया की रियलिटी मैं सुना रहा हूं इस स्टोरी के माध्यम से. इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. लेकिन अब ये लड़का तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, सेब को बेचे और बहुत, क्या नाम है, बिजनेस कर डाला और बहुत सारे पैसे कमाए. तो वृक्ष की तो अपने घर की तो रास्ता ही भूल गया वो, और दो वृक्ष की तो बात तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है कि उसके दिमाग में भी आ जाए. यही दोस्त होते हैं आजकल भाई साहब, यूज एंड थ्रो, दिस वर्ल्ड इज यूज एंड थ्रो. कैसे इसको यूज करूं अपने काम के लिए, काम निकल गया भाड़ में जाएगी जनता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता. तो ये फ्रेंडशिप्स डे और ये सारा सीन है ना, फ्रेंड जोन, ठीक है. आई अग्री देर आर सम ब्यूटिफुल फ्रेंड्स एंड देर आर सम लॉयल फ्रेंड्स, बट यू हैव टू एक्सेप्ट, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट, 95% धोखा ही होता है भाई साहब, धोखा ही होता है. सो ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा? सूर्यध्रम सर्वभूतानाम ज्ञात्वमाम शांतिमृच्छति, सुनेंगे हम 5वें अध्याय में. कृष्ण बताएंगे कि कौन तुम्हारा, आपका सबसे प्रिय सुहृद मित्र है. बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, भूल गया है
अपने दोस्त से बात करने के लिए भी और खूब पैसा कमा रहे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सारा का सारा बिजनेस कोलैप्स हो गया, सारा का सारा बिजनेस ठप पड़ गया, बिल्कुल करोड़पति से रोडपति सड़कपति बन गया। तो भाई साहब जब पैसा होता है ना, जब पावर होती है, तो सब आसपास घूमते फिरते रहते हैं, सही है कि नहीं है? और जब आपके पास पावर ना हो, फेम ना हो, और यू नो यू डू नॉट हैव दैट यू नो दैट ऑपुलेंस, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो यही इसके साथ हुआ है, इसके अपने उसको छोड़ने लग गए, सारे के सारे दूर होने लग गए, जो दोस्त साथ साथ चिपकते रहते थे वो उसी को गालियां देने लग गए थे, उसके बारे में गलत बोलने लग गए, अरे इसने तो धंधा ऐसे किया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, अरे तो चोर आदमी है, ये तो अरे ये तो पता नहीं कितना गंदा इंसान है, तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें इसकी असलियत बताता हूं। तो आप दोस्त ही क्या बन गए, सबसे बड़े दुश्मन बनने लग गए। होता है भाई साहब, होता है, सबके साथ होता है। सो बड़ा दुखी होकर फिर, अब वैसे भी 40-45 साल की उम्र हो गई है, बचपन में 5 साल के लिए खेला उस वृक्ष के साथ, स्कूल में भूल गया, जवानी में भूल गया, पैसे चाहिए थे तो सेब सारे निकाल दिए, और उस समय 40-45 साल का हो गया था। अब वापस आता है और वृक्ष अब खुश हो जाता है, मेरा दोस्त फिर वापस आ गया है, लगता है मुझसे ये बात करेगा, कितने समय बाद आया है, अब तो ये मेरे से आलिंगन करेगा, मुझे पहले की तरह क्या करेगा, मेरे को हग करेगा, मेरे साथ बैठेगा, कुछ दो बातें करेगा मेरे साथ। अब इस बार पूछते हैं कि दोस्त क्या हाल चाल है तुम्हारे, अरे बस पूछो मत, बिजनेस बहुत ही बेकार चल रहा है, सारा कोलैप्स हो गया, सब कुछ ठप हो गया, मैं तो सड़क पर आ गया हूं। अरे अरे तुम सड़क पर कैसे आ सकते हो, जब तक तुम्हारा दोस्त जिंदा है तुम एक काम करो। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी ट्विस्ट, जब ये बहुत सारे पैसे कमा रहा था ना और बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो शादी कर ली। सॉरी यार, शादी के चक्कर में ना बंदा हर चीज भूल जाता है, राइट? तो फिर शादी आ गई बीच में, तो इसने शादी कर ली थी। अब शादी करने के बाद बंदा थोड़ा सा टशन में डबल हो जाता है, वो उसको घूमना फिरना है, उसको जाना है भाई साहब, उसको सब जगह जाना है, उसको मालदीव्स जाना है, उसको वेरेवर कहाँ जाना है, लास वेगास जाना है या ग्रीस जाना है, अब ये मत बोला कि मेरे को यहाँ जाना है, जस्ट जो भी शब्द मेरे को दिमाग में आ रहे हैं उसको जाना है, घूमने के लिए जाना है। तो ये वापस आया और अपने दोस्त को बताया, देखो शादी वादी हो गई, खूब पैसा कमा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, अब मेरी इच्छा है कि क्या मैं करूँ, अब मैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जाऊँ, और नदी के पार, ये देखो तुम्हारी तट के नदी के पार कितनी सुंदर सुंदर जगह है घूमने के लिए, लेकिन अगर मेरे पास एक अपनी नाव हो ना, अपनी एक बोट हो, तो मेरे को पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्त ने बोला, वृक्ष ने बोला, अरे कोई चिंता की बात ही नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, एक काम करो, मेरे सेब तो अब चले गए, मैं तुम्हें सेब तो दे नहीं सकता हूं, तुम एक काम करो, मेरा जो वृक्ष का जो ये दो द स्ट्रक्चर, द वुडन स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री, तुम एक काम करो, इसको काट के एक बोट बना लो, एक नाव बना लो, और तुम क्या करो, आराम से नाव में बैठकर घूमो फिरो और अपना आनंद से रहो, मस्ती करो, क्या दिक्कत की बात है। तो अब इस क्या नाम है, दोस्त ने उस वृक्ष का जो पूरा ढाल है वो सारा का सारा काट डाला, पहले तो सेब काट डाले थे, टहनियां काट डाली, और अब बड़ी बेरहमी से इसको उससे कुछ मतलब नहीं है, बस अपना काम निकाल रहा है, सारा का सारा जो ढाल है वृक्ष का वो काट दिया, और काट कर बहुत जबरदस्त अपने लिए क्या बना ली, नाव बना ली, बोट बना ली, अपने बच्चों को, अपने अपनी वाइफ को, चलो घूमने फिरने चलेंगे, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, है कई साल निकल जाते हैं घूमने फिरने में, मस्ती में। अब ये व्यक्ति 70-75 साल का हो जाता है, और अब इसके बच्चे इसको पूछ नहीं रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पिता घर में बैठा है आराम से और खाना मांग रहे हैं, पिता बच्चे बोलते हैं चुप, ज्यादा बोला मत करो, आप दिमाग खराब कर रखा है, चुपचाप खा लो बैठ के आराम से। तो एक कुत्ते की तरह जैसे बर्ताव होता है, ऐसे अपने फादर के साथ वो ट्रीट कर रहे हैं, वो बुरी तरह रोता है,
समझ में आ जाता है कि वास्तव में कोई कुछ कोई भी अपना नहीं है। तो अब 70-75 साल का हो गया है, कोई उसका साथ दे नहीं रहा है, कोई इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता है। ये जीवन की रियलिटी है, आप सब जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब वापस जाता है अपने वृक्ष के पास, अपने दोस्त के पास। और जब वृक्ष अपने दोस्त को आते हुए देखता है, बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन अब वृक्ष भी रो रहा है, मेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है। दोस्त आता है, वो छोटा सा बच्चा, उनको यादें आ रही हैं। 5 साल का बच्चा था, मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ बात करता था, लेकिन अब तो कभी भी मेरे साथ समय बिताता नहीं है। अब तो 40-45 साल का था लास्ट तब आया था, अब 75-80 साल का हो गया, अब आ रहा है। अब आके जो वो व्यक्ति है वो कहता है, ये मेरे दोस्त, मेरा सब ने साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे मुझे गालियाँ देते हैं, कोई भी मुझसे ठीक से बोलता नहीं है, कोई भी मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता है, मैं तो मरना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे को कोई सांत्वना दे सकते हो? वृक्ष कहता है कि मैं तुम्हें अब क्या दूँ, मेरे पास ना तो मेरे पास सेब है देने के लिए, ना तो मेरे पास टहनियाँ हैं तुम्हें छांव देने के लिए, यहाँ तक कि मेरे पास अपना ढाल भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुमने मेरी ढाल काट दी दोस्त, तुमने मेरे सारे के सारे फल काट दिए, तुमने मेरी सारी टहनियाँ काट दी, मेरे पास अब तुम्हारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, अगर है बस एक चीज़ है और वो है मेरी जड़ें। दोस्त एक काम करो, तुम मेरी जड़ों में आकर लेट जाओ, सो जाओ, यहाँ पर आकर आराम करो। अभी भी देखो वो वृक्ष क्या कर रहा है, अपनी दोस्ती को निभा रहा है, उस दोस्त को अपने जड़ में स्थान दे रहा है कि तुम आकर इसमें आराम करो, आओ आराम करो, हम बात करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ तुम कहना कुछ मैं कहूँगा, तो इस प्रकार से हम अपने सारे के सारे जीवन को आराम से बिता देंगे। माई डियर फ्रेंड्स, ऑन दिस International Friendships Day, I wanted to start this session with this story, which is the bitter truth of our life. ये वृक्ष और कोई नहीं है, ये वृक्ष हैं भगवान। This tree is none other than God Himself. तुम्हारो लोही लो आमी हेनु अवतारा, आमी बिना बंधु आरा, के आछे तुम्हारा। श्री गौरंग महाप्रभु, ये बंगाली का एक भजन है। यहाँ पर भगवान, यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सच्चिद आनंद घन स्वरूप भगवान ये शब्द कह रहे हैं कि आमी बिनु तुमार लोईले आमी हिनु अवतार। जो जो भी इस लाइफ को देख रहे हैं और जो जो इस लाइफ को देखेंगे, गौरंग महाप्रभु ने, कृष्ण ने, श्री राम ने, जगन्नाथ जी ने हमारे लिए ही अवतार लिया है। तुमार लोईले आमी हिनु अवतार, आमी बिनु बंद आर। मुझसे बड़ा कोई दोस्त तुम्हारा होगा, मुझसे ज्यादा क्लोज तुम्हारा कोई मित्र होगा, नहीं हो सकता। वृक्ष समझाना चाह रहा है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ लुटा रहा हूं, आपका सब कुछ जो मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन जीव जो है हम उस छोटे से बालक की तरह है, हम सबको ध्यान सबका ध्यान करते हैं, हम सबके लिए समय निकालते हैं और भगवान को इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। इस लड़के ने उस वृक्ष को इस्तेमाल किया अपनी नीड के लिए, अपने काम के लिए, अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए, राइट? भगवान को यूज किया और दुनिया के तलवे चाटे, राइट? और रियलिटी ऑफ लाइफ इज, एंड आई वाज टेलिंग यू, दिस वन स्टोरी कैन चेंज द होल विजन ऑफ योर लाइफ। तो हम सब वही दोस्त हैं, हम सब वही लड़के हैं जो भगवान को यूज कर रहे हैं अपने लिए। भगवान 10th पास करवा दो, भगवान 12th में 97.5 से कम नहीं आना चाहिए, याद करो मैंने कितनी मालाएं फेरी है। भगवान देखो हमसे अच्छा कोई भक्त थोड़ी ना हुआ है, अब एक ऐसी छोरी दिलवा दो कि भाई साहब बस समझ लो, आप नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, मेरा ये काम करवा दो, मेरी बिजनेस का एक और दुकान लगवा दो। यू आर यूजिंग गॉड लाइक दैट ट्री है। बचपन में बच्चे होते हैं, सबके घरों में जाता हूं,
और देखता हूँ बच्चों को, बहुत सारी माताएं खासकर बहुत सारे पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे से मिलवाते हुए, विच इज वेरी स्वीट। दिखाते हैं कि देखो मेरा 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, मालाएं करता है, कीर्तन करता है, मेरे को बड़ा बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, बड़ा आशीर्वाद भी निकलता है। हालांकि मैं कोई हूं नहीं आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन बड़ा प्रेम और स्नेह निकलता है उन बच्चों के लिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं और दिल में कहीं ना कहीं एक बात छुपी रहती है कि काश ये बच्चा सिर्फ 5 साल की उम्र में, एक छोटे से उम्र में ही भक्ति ना करे, जब ये बड़ा हो जाए तब ये उस वृक्ष को ना भूले, कृष्ण को ना भूले, जब ये थोड़ा जवान हो जाए और जब इसके स्कूल फ्रेंड्स बन जाएंगे, जब इसके कॉलेज के फ्रेंड्स बन जाएंगे, जब इसके कॉरपोरेट फ्रेंड्स बन जाएंगे और उसको क्लब पार्टी के लिए बुलाएंगे, उसको सुट्टा के लिए इन्वाइट करेंगे, उसको हुक्का के लिए इन्वाइट करेंगे, तब पता लगेगा कि ये कितनी भक्ति करता है, तब पता लगेगा कि कृष्ण के प्रति इसकी मित्रता, इसकी फ्रेंडशिप कितनी दृढ़ है। क्या एक सुट्टे के लिए, क्या एक एक ग्लास शॉट के लिए, क्या अपने स्कूल फ्रेंड्स के लिए, कॉलेज फ्रेंड्स के लिए, कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए, क्या ये अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स को छोड़ देता है, कृष्ण को छोड़ देता है? दैट इज योर रियल टेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आई हैव गॉन थ्रू दैट टेस्ट, you will also have to go through this test. Why is this in Facebook session so important? To always make you remember suridhram sarvabhutanam gyatvam mam shantim richati. हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान ने इसी पृथ्वी, इसी भूमि पे, जहां फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, है? हमें भी कोई विश कर रहे हैं लोग, फ्रेंड्स हमारे, तो इसी भूमि पे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता का संदेश सुनाया था, श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय। भगवान ने कहा, अर्जुन जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगी ना कि मुझसे बढ़कर और मुझसे क्लोज सुहृद्र मित्र तुम्हारा कोई नहीं है, देयर इज नो वन हु इज अ बेटर वेल विशर देन जगन्नाथ, बेटर वेल विशर देन राधा माधव, राधा कांत, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, इनसे बढ़कर हमारा वेल विशर कोई नहीं है, ना कोई होगा। ये आज समझो, परसों समझो, 10 साल बाद समझो, 20 साल बाद समझो, जितना जल्दी हो सके समझ लो, आपके लिए सही रहेगा। राइट, सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। How did you guys like the story? फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो बहुत कुछ बताना है मैंने आपको। समझ में आई है स्टोरी? कुछ आंखें, कान, दिमाग कुछ खुला है कि नहीं है? अगर समझ में आई है तो हरी बोल लिखो, क्लिक दोज हार्ट्स, थोड़ी सी उंगलियों को भी दर्द दे दो, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, फ्रेंडशिप्स डे है, ये ब्लू हार्ट मत दो आज मेरे को, आज दिल के दे दो, दिल की बात है, आज दिल का दिन है, लाइक वाइक नहीं चलना चाहिए आज, आज दिल धड़कने दो, सही है कि नहीं है? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। भगवान को इस्तेमाल मत करो अपनी जरूरतों के लिए, ठीक है? जैसे वो लड़का इस्तेमाल कर रहा है वृक्ष को, आज का दिन अपनी मित्रता, अपनी मित्रता अपनी फ्रेंडशिप को और गहरी करने का है, कृष्ण को बताने का कि कृष्ण कुछ भी हो जाए, यस आई डू अग्री यू नीड स्कूल फ्रेंड्स, येस आई डू अग्री यू नीड कॉलेज फ्रेंड्स, येस आई डू अग्री यू नीड कॉर्पोरेट फ्रेंड्स, येस आई डू अग्री यू नीड फैमिली फ्रेंड्स, बट येस आई डू अग्री दैट यू ऑल्सो नीड स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, एंड येस आई डू वेरी मच अग्री दैट फ्रॉम दैट इफ यू हैव कृष्णा एज योर फ्रेंड, ऑल दीज रिलेशनशिप्स विल बिकम इवन मोर बेटर, विल बिकम इवन मोर स्मूद, बिकॉज कृष्णा विल कम इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ, एंड वेन कृष्णा कम्स इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ, everything becomes all right. Wow, so amazing. If Krishna comes in the center of your life, everything becomes all right. Sahi hai? Okay, now let's talk about some examples. Maine aapko bhi bataya ki 5 friend requests hain jo pending hai. We are at number 1. Sabse pehli request bhagwan ki or se aayi hui hai, theek hai? तुम्हार लोईले अमी हेनु अवतार, आमी बिनु बंदो आर के आछे तुम्हार। तुम क्यों रुक रहे हो, किसके लिए रुक रहे हो, क्या रोक रहा है तुम्हें मेरे से दोस्ती करने के लिए? सबसे पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट कृष्ण ने हमारी ओर भेजी हुई है, जगन्नाथ जी ने हमारी ओर भेजी हुई है, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, उसको हमने इग्नोर कर रखा है, राइट? इग्नोर, किसी ने इग्नोर कर दिया, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हैं ना, किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट इग्नोर करी हुई है, किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट को ब्लॉक करा हुआ है,
किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, राइट? ये तो हमारी हालत है. इट्स टाइम वी बिकम फ्रेंड विद कृष्णा. What is the benefit of becoming friends with Krishna? क्या मिलेगा आपको कृष्ण के साथ दोस्ती करने से? उदाहरण महाभारत से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं. प्रपोजल अर्जुन को भी दिया जा रहा है और एक प्रपोजल दुर्योधन को भी दिया जा रहा है. मित्रता का हाथ बढ़ाकर स्वयं द्वारकाधीश, स्वयं केशव, स्वयं माधव, स्वयं गोविंद, स्वयं कृष्ण, बहुत सारे फ्रेंड कॉल कर रहे हैं. भगवान कृष्ण मित्रता का हाथ बढ़ाकर महाराज धृतराष्ट्र के सभा में जा रहे हैं. धृतराष्ट्र की सभा खचाखच भरी हुई है. भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य जी बैठे हुए हैं, अश्वत्थामा है, वहां पर दुशासन है, शकुनी है, कर्ण है, खचाखच भरी हुई है. कृष्ण जो सर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनकी ब्रिकुटी पलटने से प्रलय हो जाए, वो मंद मंद मुस्कुरा जाए तो सृष्टि का सृजन हो जाए, ऐसे केशव, ऐसे गोविंद, ऐसे माधव उस सभा में जैसे आए और मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं सिर्फ पांच गांव दे दो मेरे पांच मित्र को, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम को. मेरे पांच मित्र हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं. एक काम करो, हमें युद्ध नहीं करना, हमें लड़ाई नहीं करना, आप बस हमें पांच गांव दे दो. ये पांच गांव में रहकर बड़े खुश हो जाएंगे, सबका एक एक अपना गांव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इमेजिन कृष्णा इज एक्सटेंडिंग एन हार्ट टूवर्ड्स यू फॉर फ्रेंडशिप. वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड? इमेजिन दैट फीलिंग. लेकिन यही तो प्रॉब्लम है. जब मैं कह रहा था किसी ने कि फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रखा है, किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया हुआ है, और दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण की फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया. ना केवल रिजेक्ट कर दिया, कृष्ण को बांधने का भी प्रयास किया. आप सबको पता है इस बात का, राइट? आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ सम नाइस एग्जाम्पल्स टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. मैं रात को आया हूँ 12:30 चंडीगढ़ से वापस, एंड देन आई डिड नॉट गेट टाइम टू यू नो एक्चुअली jot down some points. So whatever is coming from my heart. Krishna ka friend request aap reject kar rahe ho, bhai sahab, bahut chaante barsenge, itne chaante barsenge na, itne thokar khaoge, itne maar khaoge na, itni takleefein hoengi na, itni problems aayengi na. Sirf isliye nahi kyunki aapne Krishna ke request ko reject kar diya aur Krishna aapke sath aisa karna chahte hain. Krishna aapko sudharna chahte hain. Krishna ki maar bhi sudharne ke liye hoti hai, aapka uddhar karne ke liye hoti hai. दुर्योधन ऐसा चपड़ गंजू है, वो कृष्ण को क्या करना चाह रहे हैं? बांधने का प्रयास कर रहा है. कर ले भाई, कोशिश कर ले, कर ले तो. जैसे श्री कृष्ण को कोशिश की बांधने की, तो भगवान ने विराट रूप, बहुत कुछ लोग जानते नहीं इस बात को, भगवान श्री कृष्ण ने केवल महाभारत के समय विराट रूप नहीं दिखाया था, भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की सभा में, महाराज धृतराष्ट्र की सभा में उसी समय अपना विकराल विराट रूप दिखा दिया, जहां पर यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मत्स्य सुवंति दिव्य स्तवे वेदे सांग पत्क्रम उपनिषद गायंतु यम सामगा ध्यायानुवस्तत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो. वहां पर सभी के सब भगवान शिव, गणेश, ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यमराज सब इकट्ठे भगवान ने दिखा दिए कि भाई साहब पंगा नहीं, इतने लगेंगे. तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और दुर्योधन भाई तू तो निकल ले. सो द पॉइंट इज कृष्णा गेव द ऑप्शन एंड ही एक्सटेंडेड हिज हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू बोथ दुर्योधन एंड अर्जुन. अर्जुन भी बैठा है कृष्ण के चरणों में, दुर्योधन भी बैठा है कृष्ण के चरणों में. कृष्ण ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें पार्थ? पार्थ ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा देखो मैं इस युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, तो एक तरफ मैं हूं निहत्ता और एक तरफ है मेरी नारायणी सेना जो कभी हारी नहीं है, ठीक है, चतुरंगी सेना है, नारायण, ठीक है जी, तो बताओ भैया किसको क्या चाहिए. तो क्योंकि ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण की नजरें अर्जुन के ऊपर पहले पड़ी थी और अर्जुन वैसे भी छोटे हैं दुर्योधन से, तो अर्जुन को मौका दिया गया पहले. अब दुर्योधन को आई थोड़ी सी जेलसी होगी, थोड़ी सी टेंशन आ गई, अरे यार इसने मांग लिया पहले तो मतलब मैं तो रह जाऊंगा. अर्जुन बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहता है एंड टुडे इज द डे टू फोल्ड योर हैंड्स एंड एक्सप्रेस योर हार्ट टू कृष्णा एंड टेल हिम कृष्णा आई डू नॉट नीड एनीथिंग इन माई लाइफ. कृष्ण मेरे को कुछ नहीं चाहिए. अर्जुन ने यही शब्द कहे थे, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। मेरी गायकी को वो अंदर से वो हो गया कि भाई तूने फटावा कैसे गा दिया कृष्ण के लिए है। ओ मेरा आप की कृपा से, उनको तो फटी हुई आवाज भी अच्छी लगती है। सब काम हो रहा है, और अर्जुन के ही ये शब्द हैं, कृष्ण को कह रहे हैं तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरखास भी नहीं है। हे कृष्ण तुम साथ हो मेरे तो किस चीज की कमी है। पर एक्चुअली मैं लाइफ में ना, आई एम नॉट टेलिंग यू टू नॉट मेक फ्रेंड्स इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, इन योर यूनिवर्सिटीज, इन योर ऑफिसेज, बट कमाल की बात यह जब आपको कृष्ण से दोस्ती हो जाती है ना, जब आपके दोस्त भक्त बनने लग जाते हैं ना, यू एक्चुअली डोंट नीड एनीवन एल्स। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, और होता भी ऐसा है कि प्रभु जी आप सब छुटने लग गए हैं, मतलब मन ही नहीं करता उन लोगों के साथ बैठने के लिए। पहले तो मैं बैठ रहता था, दो दो तो तीन तीन घंटे हम बैठे रहते थे, बकवास बातें मारते रहते थे, सुट्टा पीते रहते थे, आराम से बैठ के ड्रिंक्स पीते रहते थे। मन ही नहीं करता प्रभु जी अब जाने का, मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, बस अब मन करता है कि कीर्तन करते रहें, भजन करते रहें, भक्तों से मिलते रहें। दैट्स चेंज। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इवैल्यूएट दैट यू आर प्रोग्रेसिंग इन भक्ति। तो तुम साथ हो मेरे किस चीज़ की कमी है। अगर कृष्ण को आपने चुन लिया ना, कोई भी कमी आने वाली नहीं है आपके जीवन में। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण मैं आपको चुनता हूँ, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन साइड में बैठा हुआ था बोल रहा है ये तो पागल है, इससे बड़ा भी कोई पागल हो सकता है, इतना बड़ा मूर्ख है। बोला इसका अपने मन में सोच रहा था कि इस निहत्ते का क्या करना है मेरे को, है युद्ध में तो लड़ाई करने वाले चाहिए होते हैं जो अस्त्र शस्त्र को ठीक से चलाते हैं, ये तो अच्छा किया इसने ये मांग लिया। तो बोला दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए। बोला मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए। देखो द्वारकाधीश अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपनी नारायणी सेना दे दो, ठीक है लो ये नारायणी सेना। दुर्योधन नारायणी सेना लेकर निकल लियो, और अर्जुन को मिले पार्थ साथी। पार्थ अर्जुन का नाम है, और अब अर्जुन को मिल गए हैं पार्थ साथी जो उनके रथ को चलाएंगे। इस त्रिलोकी को चलाने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले, केवल सोते सोते रंगनाथ के रूप में, पद्मनाभ स्वामी के रूप में, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, करुणदक्षाय विष्णु, महाविष्णु के रूप में, सिर्फ सोते ही पूरे संसार को जो चला रहे हैं, वो अब अर्जुन के रथ को चलाएंगे। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाख्यो, भूल गए ठकुराई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश में आके अर्जुन के रथ को हाक रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत डीप में नहीं जा सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत कुछ बातें मेरे को आपसे को बता नहीं है। कृष्ण ने आपकी ओर एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, जिस प्रकार उन्होंने दुर्योधन को भेजी और अर्जुन को भेजी। हु आर यू गोइंग टू बी टुडे ऑन दिस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे? चूज टू बिकम अर्जुन, चूज टू चूज कृष्ण, चूज टू चूज कृष्ण रैदर देन चूजिंग कृष्णस एनर्जी, चूज टू चूज कृष्ण रैदर देन चूजिंग कृष्णस माया, कृष्णस एनर्जी, कृष्णस इल्यूजनरी एनर्जी। Become an Arjun. Do not fall like Duryodhan. Because if Krishna comes in your life, you can never be the loser. If Krishna comes in your life, if you become friends with Krishna, you will always become a winner. Krishna will never let you down. Krishna will never let you get defeated. Krishna ne us samay vada kiya Arjun ko. वहां पर दुर्योधन भाग कर जाता है, शकुनी मामा को कहता है और दुशासन को कहता है, कर्ण को कहता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं नारायणी सेना ले आया, कृष्ण की नारायणी सेना जो कभी भी हारती नहीं है। शकुनी मामा ने साइड में बुलाया, चार चांटे हमारे, अबे चपड़ गंजू हार गया तू, युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गया, तेरे को कृष्ण से कृष्ण को मांग लेना चाहिए था, ये असुर है। शकुनी मामा का दिमाग बड़ा तेज था, ठीक है जी।
शकुनी मामा जानते थे कि अबे घोंचू कृष्ण को मांगता ना तू, अबे चपड़ गंजू अबे गधे, अगर तू कृष्ण को मांग लेता, कृष्ण के तो रोम रोम में नारायणी सेना बसी हुई है, कृष्ण आंख मार देना तो ये सूर्य बंद हो जाएंगे, कृष्ण आंख खोल देना तो चंद्रमा प्रकट हो जाएंगे, सची सूर्य नेत्र, चंद्र और सूर्य तो कृष्ण की नेत्र है। अरे बावले नैन, तू क्या कर गया, हार गए हम इस युद्ध को, हार गए हम इस युद्ध को। और वहां पर अर्जुन, अर्जुन एक ऐसा अनन्य भक्त, ऐसा सेवक है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम 5th, 6th, 7th, 8th साख्यम आत्म निवेदनम। आउट ऑफ द 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, नवदा भक्ति में जो आठवां है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, 8th इज टू बिकम फ्रेंड्स विद कृष्णा, फ्रेंडशिप्स डे गाइस। साख्यम, जब हम सखा रस की बात करते हैं तो हमें अर्जुन की याद आती है, हमें सुदामा की याद आती है, हमें सुबल की याद आती है, हमें स्तोक कृष्ण की याद आते हैं, हम अब ठाकुर जी के ग्वाल बालों को याद करेंगे और क्या कहेंगे सारे के सारे, अरे कालिया, अरे मेरा नोनूसा कालिया ठाकुर है, कारो कलुप तो छोरो इधरा। ये सब लीला मैंने आपको सुनाई हुई है, किस प्रकार साख्य रस में इतनी मित्रता में भगवान को, उस परम ब्रह्म को, उस परमेश्वर को, उस ब्रह्म ज्योति को नाम से बुलाते हैं, गाली देकर बुलाते हैं, अरे कालिया, अरे ये कारो करोटो छोरो तो चोर है रे, अरे तो हमारा चोर है इधर है। ठाकुर जी के परम ब्रह्म भगवान के पीठ पे चढ़ते हैं, वो उनको लात मारते हैं, उनका अपना झूठन मुंह से निकाल के उनका झूठन खिलाते हैं। ये सब प्यारी प्यारी लीलाएं कृष्ण लीला में आपको सुनाई जा सकती है, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, हाथी घोड़ा पाल की अरे, जय कन्हैया लाल की अरे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ठीक है जी, तो टुडे इज द डे टू बिकम फ्रेंड्स विद कृष्णा, एंड नॉट ओनली बिकम फ्रेंड्स विद कृष्णा, टू एक्सेप्ट कृष्णाज फ्रेंड रिक्वेस्ट व्हिच इज लॉन्ग टाइम पेंडिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने एक तरफ आपको बताया कि शकुनी मामा ने ऐसे बोला कि तू युद्ध हार गया, और एक तरफ कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया कि अर्जुन मैं तुम्हें वादा कर रहा हूँ, I'm giving you my word कि जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा, इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम 5 भाई ही बचोगे, और श्री कृष्ण एज द लॉर्ड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममः। भगवद गीता का आखिरी श्लोक इस फ्रेंडशिप डे पे हमें याद करना चाहिए, कृष्ण मेरे जीवन में आएंगे, कृष्ण मेरे मित्र बनेंगे, अगर मैं कृष्ण से मित्रता करूंगा तो जहां पर कृष्ण होंगे, योगेश्वर कृष्ण होंगे, तत्र पार्थ धनुर्धरा, जहां पर अर्जुन जैसे सखा होंगे, भाव आपकी अर्जुन की तरह आपका साख्य रस होगा, मित्रता आप करोगे, तत्र श्री वहां पर लक्ष्मी होगी, वहां पर विजय होगी, वहां पर ध्रुव नीति होगी, वहां पर धर्म होगा, विजय हमेशा आपकी ही होगी। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ फ्रॉम कृष्णा, एक्सटेंडिंग यू दिस फ्रेंड रिक्वेस्ट। इतने प्रेम करते थे कृष्ण अर्जुन से,
अर्जुन की लातें खाते थे। मैंने आपको कई बार सुनाया हुआ है, महाभारत के युद्ध में इतना कोलाहल मचता था, इतना शोर शराबा होता था कि अब रथ में होर्न तो है नहीं कि होर्न दबाओगे तो उसको पता लग जाएगा आगे वाले को कि साइड में होना है, तो इतने सारे रथी रथी नहीं सिर्फ अरथी, सिर्फ अरथी नहीं महारथी एक समय पे अनेक अनेक सैकड़ों बाण मार रहे होते थे। अर्जुन सैकड़ों बाण चलाता था एक समय में, ही महारथी। महारथी का मतलब जो एक समय में लाखों योद्धाओं के साथ अकेला लड़ सकता है, महारथी का अर्थ है जो एक समय में लाखों बाण चला सकता है, महारथी का अर्थ है जो एक समय में लाखों मंत्र का उच्चारण कर सकता है, जिसको धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। तो ऐसे महारथी बहुत सारे लड़ने आते थे, भीष्म पितामह महारथी हैं, द्रोणाचार्य महारथी हैं। तो समय नहीं मिलता था दाएं बाएं देखने के लिए, ये बताने के लिए पार्थ साथी को, कृष्ण को, कि दाएं जाओ बाएं जाओ। तो कृष्ण अर्जुन जो पीछे खड़े होकर लड़ रहा होता था और भगवान रथ चला रहे हैं, तो अर्जुन कभी कभी भगवान कृष्ण के पीठ के लेफ्ट साइड पे मारते थे लात अपनी, इसका मतलब लेफ्ट की ओर चलो, राइट पे लात मारते थे तो राइट की ओर चलो, बीच में लात मारते थे इसका मतलब रुक जाओ ब्रेक, है ना। ऐसे ऐसे अपने मित्र को जिताने के लिए, है ना, कभी भी मेरा मित्र हारे ना युद्ध को, भगवान ने ऐसे ऐसे मार भी खाई है अपने भक्तों से। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो फर्स्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। एंड भागवतम में उदाहरण भी आता है कि परमात्मा इज लाइक वन, देर आर टू पैरट्स और देर आर टू बर्ड्स सिटिंग ऑन द सेम, यू नो व्हाट यू कॉल, ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो एक ही ब्रांच पे दो पक्षी बैठे हैं, एक परमात्मा है और एक आत्मा है। द सुपर सोलो कृष्णा इज लुकिंग टुवर्ड्स अस, आत्मा की ओर देख रहे हैं और आत्मा बिजी है नेटफ्लिक्स देखते हुए, आत्मा बिजी है, हम बिजी हैं अमेजोन प्राइम टाइम पे वीडियोस देखते हुए, हम बिजी हैं वर्ल्ड टूर करते हुए, हम बिजी हैं यू नो कुछ भी करते हुए, एंड द सुपर सोल इज वेटिंग, अब देखेगा ये मेरी ओर, अब देखेगा मेरी ओर और मैं उसको समझाऊं कि ये संसार जीने लायक नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम दुखों का घर है, ऐसा लगता है यहाँ पर सुख मिलेंगे, सूख जाओगे सुख नहीं मिलेंगे। बट वी हैव टोटली इग्नोर्ड दैट बर्ड हु इज एक्चुअली वॉन्टिंग टू गिव अस यू नो अ बेटर लाइफ, वॉन्टिंग टू टेल अस दैट इफ यू जस्ट लुक एट मी, सिर्फ देखने की जरूरत है जगन्नाथ जी की ओर और जीवन आनंद से भर जाएगा। So the first pending request is from Krishna. I request all of you on this Friendships Day, please accept that friendship request. It sounds so ridiculous that we have not been able to accept Jagannath's friend request. Number one. Number two. Bhagavad Gita में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि हमें मित्रता किससे करनी चाहिए। अगर हमने इनसे मित्रता नहीं करी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर हमने इनसे मित्रता कर ली तो हमारा लाइफ, हमारी लाइफ बहुत ही कमाल की होगी। और वो कौन है जिनसे हमने दोस्ती करनी है, कृष्णा इज पर्सनली टेलिंग अस डू फ्रेंडशिप विद हिम, कौन है वो? बंधुर आत्मस्तनस्तस्य येनत मे वात्मनजुता आनत्मनस्तु शत्रुत्वे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के साथ दोस्ती नहीं करता, बंधुर आत्मस्तनस्तस्य येनत मे वात्मनजुता अनत मनस्तु शत्रुत्वे, यही जो मन है वो आपका शत्रु बन जाएगा। कृष्णा इज सेइंग इन द भगवद गीता द माइंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड, इज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड द माइंड इज ऑल्सो योर बिगेस्ट एनिमी और योर वर्स्ट एनिमी। अगर हमने अपने मन के साथ दोस्ती नहीं करी, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचलता है, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल तो मिल जाए। ये मन ही बोलता है कि छोड़ यार माला छोड़ दे, मैच देख ले पहले। ये मन ही है, इट्स द माइंड दैट यू नो इट ट्विस्ट्स अस,
ये हमें छल कर, हमें छल देता है ये बोलकर, अरे अरे खा ले, क्या भोग लगाने की जरूरत है। ये मन ही है जो हमें बोलता है एक दिन नहीं करेगा माला, एक दिन नहीं करेगी माला तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बाद में कर लियो, बहुत दिन पड़े हैं, बहुत समय है, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है। ये माला ही है जो तुम्हें कथा में बैठने नहीं देता। इट्स द माइंड, इट्स द माइंड। मन के वजह से ही लोग सारे क्राइम कर रहे हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितना भी टेरर हो रहा है, रेप हो रहे हैं, यू नो, जो भी क्राइम हो रहा है वो सब माइंड करवाता है। लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है खाने को, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है मम्मी बात करने को, मेरे से बात मत करो यार, यार मेरा मन नहीं है अभी, तुम लोग चले जाओ, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है, यार मेरा मन अभी शांत नहीं है यार, मेरा मन दुखी है यार, है ना। अगर आपका मन दुखी, अगर आपका मन अशांत है, अगर आपके मुंह पे ये बात है कि मेरा मन नहीं है ये करने को, तो इसका मतलब आपका मन आपका दोस्त नहीं है। आप वो करते हो जो आपका मन चाहता है, आपका मन वो नहीं करता है जो आप चाहते हो। एंड दिस माइंड इज सच अ टेरिबल थिंग। अगर माइंड को हमने अपने मन से दोस्ती नहीं करी तो ये बहुत बड़ा एनिमी बन जाएगा। इट्स द माइंड दैट मेक्स समवन स्टील, कर ले चोरी। इट्स द माइंड दैट मेक्स समवन डू क्राइम। जब कोई गोली भी चलाता है, कोई किसी का गला काटता है, ये सब मन ही तो करवा रहा है, कौन करवा रहा है? सारा का सारा क्राइम मन करवाता है। ये मन ही बोलता है जीने का कोई फायदा नहीं है, कोई तुझसे प्यार तो करता नहीं है, सब बेकार की दुनिया, सबको देख लिया, एक काम कर पंखे पे लटक जा। इट्स द माइंड दैट इवन मेक्स यू गो टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। सो इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर माइंड, एन अनकंट्रोल्ड माइंड लीड्स टू बैड हैबिट्स। ये माइंड ही है जो सिगरेट फुकवाता है, ये माइंड ही है जो गुटके खिलवाता है, ये माइंड ही है जो नशे करवाता है। सो एन अनकंट्रोल्ड माइंड लीड्स टू बैड हैबिट्स, एन अनकंट्रोल्ड माइंड लीड्स टू क्राइम। सो टुडे ऑन दिस फ्रेंडशिप्स डे, कृष्णा इज टेलिंग अस इन गीता, बंधुरात्मस्तनस्तस्य यनात्मेवात्मनाजिता अनात्मनस्तु शत्रुते। मन से मित्रता करो अर्जुन, मन से। माइंड इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द अदर सेंसेस। अगर देखो आप मेरे को सुन तो रहे हो, लेकिन अगर आपका मन है नहीं, आप पर आपका ध्यान लग ही नहीं रहा है, तो कान होने पर भी आप इस सेशन को सुनोगे नहीं, आपका मन कहीं और लगा हुआ है। क्लास चल रही है लेकिन आपका मन अपनी बंदी के साथ लगा हुआ है कि मैं अब जाऊंगा उसको घुमाने के लिए ले जाऊंगा, क्या चलेगा, कुछ नहीं करोगे। कान है, आंख है, लेकिन अगर आपका कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, आंखें भगवान के सामने हैं, कान भी है, हाथ भी है, लेकिन उनका मन नहीं है कीर्तन करने को, उनका मन नहीं है नाम जप करने को, क्योंकि माइंड हैज बिकम द एनिमी। एंड एज सून एज द माइंड बिकम्स द एनिमी, सबसे पहले मन यही बोलता है सब बेकार की बात है, फ्रेंड रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर, फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर, मेरी सुन। एंड द माइंड ऐसे बंदर की तरह नचाएगा, बंदर की तरह नचाएगा, जैसे बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी पे छलांग मारता रहता है, ये मन आपको ऐसे नचाएगा, ऐसे दौड़ाएगा। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़ तस्य हमने ग्रह मन निर्वायु रे वाशु दुष्कराम, है ना। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवद्गीता में, असम स्वयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न कौंतिया च वैराग्य न गृहते। कृष्ण सिंह प्लीज make your please become friends with mind. First we have to become friends with Krishna, number one. Number two, we have to make our mind our friend. तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, कभी सोचा आपने इस बात के लिए, हमने स्कूल में फ्रेंड्स बनाए, हमने कॉलेज में फ्रेंड्स बनाए, हमने फैमिली फ्रेंड्स बनाए, हम ना ये हमारा पार्टनर इन क्राइम वाला फ्रेंड है, ये वाला मेरा फ्रेंड है, ये मेरे क्लोज फ्रेंड है, ये मेरे दूर वाले फ्रेंड है, ये मेरे को वो वाला काम निकालने के लिए वो फ्रेंड है। बट डिड यू एवर थिंक दैट यू हैव टू मेक योर माइंड योर फ्रेंड? मेक योर माइंड योर फ्रेंड। नंबर थ्री, नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू मेक योर माइंड योर फ्रेंड? सो देयर आई वुड लाइक टू से, make friends with devotees. और ये देखो, so you have to make friends with Krishna, you have to make friends with the mind. Third is, before you make friends with your devotees, that's the fourth. Third is,
इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल योर माइंड एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक योर माइंड योर फ्रेंड, आपको दोस्ती पता है किसके साथ करनी पड़ेगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ गाइएगा, सभी हाथ उठा के, ठीक है, सभी ने मेरे साथ बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला कहे मन से अभी बात करी कि मन को अपना मित्र बनाओ, तो माला अब माला कह रही है जिसको आपने छोड़ दिया है, जिसको आपने अलमारी के किसी कोने में रखा हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि आपकी माला कहाँ रखी हुई है, वो जो माला है वो मन से कह रही है, माला कहे मन से, तू क्यों विसरत मोहे, तूने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, तूने मुझे क्यों इग्नोर कर दिया, तूने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया, तूने मुझे क्यों अपने से दूर कर दिया। माला कहे मन से तू क्यों विसरत मोहे, बिना शस्त्र का सूरमा पार सके ना कोई, लांग सके ना कोई, नहीं तू इस युद्ध से लड़ सकता, नहीं तू इस माया के युद्ध से जीत सकता, जब तेरे दोस्त, तेरे ही बेस्ट फ्रेंड्स, तेरे ही स्कूल फ्रेंड्स, तेरे ही कॉलेज फ्रेंड्स जब तेरे को धोखा देंगे, जब तेरे को डिच करेंगे, जब तेरे बारे में गॉसिप करेंगे, तो मैं तेरे काम आऊंगी, ये जो माला है जो हाथ में, ये जो बीट बैग है, जो जप माला है, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे मुट्ठी में रहूंगा, मैं हमेशा तेरी मुट्ठी में रहूंगी, मैं कभी साथ देने कभी साथ छोड़ने नहीं हूं मैं, ये माला कह रही है मन से। और याद रखना, अगर आप आज के दिन भगवान के नाम से मित्रता कर लेते हो, हरे कृष्ण महामंत्र, या आप वाहे गुरु जपते हो, या आप राम नाम जपते हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, टुडे इज द डे टू मेक फ्रेंडशिप विद भगवान का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, भगवान का नाम से दोस्ती करो यार, भगवान का नाम कभी भी तुम्हें डूबने नहीं देगा। पत्थर पे राम नाम लिखा जा रहा है तो पत्थर भी तैर रहे हैं, आपके जीवन में भगवान के नाम से दोस्ती हो जाएगी तो भगवान का नाम आपको कभी गिरने नहीं देगा, कभी आपको हारने नहीं देगा। इट इज सेड एंड आई हैव नोटेड ओवर हियर। कृष्ण का नाम देखो बड़े कमाल की चीज है, अगर आपके हाथ में माला आ गई तो आपके हाथ में माला आने से सिगरेट छूट जाएगी, आपके हाथ में अगर माला आ गई तो आपके हाथ से शराब का ग्लास छूट जाएगा, आपके हाथ में माला आ गई तो आपके हाथ से ये जो गुटखा है ये छूट जाएगा, ये हाथ टेढ़े से सीधा हो जाएगा। अगर आपके हाथ में माला आ गई तो आपके हाथ से गलत काम, पाप के काम होना बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चैंटिंग इज सच अ ब्यूटीफुल फ्रेंड, चैंटिंग इज सच अ वंडरफुल बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। हाउ? फाइनेंशियली भी देखो, ये मेरे दिमाग में अपने आप आए, दिस इज नॉट एन हर्ड लेक्चर कहीं से भी नहीं, दिस आर माई फीलिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। चैंटिंग से फ्रेंडशिप कर लोगे तो दूसरे दोस्त तो पैसे फुकवाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, अरे पैसे फूकता रहता है जब देखो अपने दोस्तों पे, प्रभु जी इसको समझाओ ये बहुत पैसे स्पेंड करता है अपने दोस्तों के साथ, दूसरे दोस्त पैसे खर्च करवाते हैं। हरिनाम जब आपके हाथ में आ जाएगा, जब आप चैंटिंग से दोस्ती करोगे तो हरिनाम कॉस्ट कटिंग करेगा, इट विल सेव मनी। हाउ? शराब पीने में बहुत पैसा लगता है भाई साहब, एक फ्रूट जूस और एक बियर, ज्यादा कॉस्टली कौन है? फ्रूट बियर, राइट। वेजिटेरियन प्रसाद, वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड, कौन सा ज्यादा कॉस्टली है? नॉन वेजिटेरियन फूड इज मोर कॉस्टली देन वेजिटेरियन फूड। माला आ जाएगी तो ये सब छूट जाएगा, कॉस्ट कटिंग। फाइनेंस के बारे में सोचो मेरे भाई साहब, फाइनेंशियली देखो। और मैंने नोट किया है, आपके हाथ में माला आ जाएगी इफ यू बिकम फ्रेंड्स विद चैंटिंग हरे कृष्ण बोलो यार, बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। अगर आप चैंटिंग करोगे, चैंटिंग इफ यू बिकम फ्रेंड्स विद चैंटिंग, यू विल स्टे अवे और यू विल स्टार्ट क्विटिंग बैड हैबिट्स। दूसरे दोस्त आपको बैड हैबिट्स में लगाएंगे और बैड हैबिट्स में लगाकर वो खुश होंगे। देखो
चैंटिंग आपको बैड हैबिट से दूर करेगी, चैंटिंग सेव्स योर मनी, चैंटिंग इफ यू मेक अम फ्रेंड्स विद चैंटिंग देन आपकी लाइफ से टेंशन चली जाएगी, आपकी लाइफ से स्ट्रेस चला जाएगा, आपकी लाइफ से डिप्रेशन चला जाएगा, आपकी लाइफ से ओवर थिंकिंग चला जाएगा, आपकी लाइफ से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चला जाएगा, यू बिकम फिल्ड विद कॉन्फिडेंस, आपके लाइफ से यू नो ऑल दी ट्रबल्स, ऑल दी प्रॉब्लम्स, ऑल दी क्लैमिटीज, गालियाँ वालियाँ डिच हो रहे हो हैं जी, बातें बन रही हैं आपके बारे में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई साहब जितने भी उतार चढ़ाव आए, मीरा बाई की तरह, संत तुकाराम जी की तरह, नामदेव जी की तरह, श्रील प्रभुपाद जी की तरह, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी पाद जी के द्वारा की तरह, जगन्नाथ दास बाबा जी, सच्चिदानंद भक्तिनोद ठाकुर जी की तरह, गौर किशोर दास बाबा जी की तरह, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामियों की तरह, आप बड़े बड़े जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, तकलीफें आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन आप मन मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग श्री प्रभुपाद से नाचते रहोगे, गाते रहोगे और खूब प्रसाद खाते रहोगे व्हेन यू मेक फ्रेंड्स or when you become friends with chanting. I request all of you, please, ये जो माला की जो friend request आपने ignore की हुई है ना, reject करी हुई है, उठाओ उस माला को, है ना, and tell हरिनाम. Actually today I got to know सुरिद्रम सर्वभूतानाम, आपसे अच्छा कोई मित्र मेरा है नहीं, come here, I want to spend time with you 2 hours. You spend time with your friends na, I want to spend every day with you 2 hours. You give these 2 hours to chanting, rest of your 22 hours will become the best, blissful, happy 22 hours. Kabhi kabhi clubs mein na happy hours chalte hain, ab happy hours ka mere ko पूरे ठीक से मीनिंग नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं समझाऊँ कि मान लो 2 घंटे के लिए हैप्पी आवर्स फ्रॉम दिस टू दिस, तो उन हैप्पी आवर्स में या तो डिस्काउंट मिल जाता है आपको, यू नो व्हाटएवर यू आर टेकिंग फूड या ड्रिंक्स, या आपके उस हैप्पी आवर्स में पता नहीं क्या फ्री हो जाता है, ऐसा कुछ होता है. सो दे कंसिडर दोज 2 आवर्स टू बी हैप्पी. अगर आपके पास चैंटिंग आ गई आपके हाथ में, 2 आवर्स यू स्पेंड इन चैंटिंग, योर रेस्ट 22 आवर्स ऑफ द डे बिकम्स हैप्पी. I promise you. भाई साहब दिल बहुत कम धड़क रहे हैं, बहुत कम धड़क रहे हैं, मतलब तुमने मेरे से दोस्ती करी नहीं करी है. आर यू फ्रेंड्स विद GKD और नॉट? खड़काओ यार दिल. और शेयर तो तुमने बिल्कुल करा नहीं होगा, बिल्कुल लगता है ना आप लोगों को कि पाप हो जाएगा कि मैंने एक शेयर बटन दबा दिया ना तो मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को पता लग जाएगा. मैं तो ये सब ज्ञान की बातें सुनती हूँ बैठ के, है ना, तो मैं अपने वॉल पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सुन सकता हूँ ज़रूर, अच्छा लगता है सुनते हुए. अरे भाई, अरे मेरी बहन, दोस्त, आज फ्रेंडशिप्स डे है, आज दोस्ती की बात करेंगे. शेयर कर दे भाई, किसी का भला हो जाएगा. क्यों इतनी कंजूसी कर रहा है भाई, ना कर. बताना मत किसी को, लाइट नहीं है सुबह से. हरी बोल, बोलो. ऑलराइट, सो फ्रेंडशिप विद कृष्णा, फ्रेंडशिप विद द माइंड, फ्रेंडशिप विद चैंटिंग, एंड नाउ द 4th one जो मेरे मुंह से पहले लीक हो गया था, फ्रेंडशिप विद डिवोटीज. साधु संग सर्व शास्त्र कोहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. भाई कर ले दोस्ती, भक्तों के साथ भी कर ले, कसम से यू विल नॉट बी, कुछ घटेगा नहीं तेरा. भक्तों के साथ दोस्ती हो गई ना, तो वैसे भी कृष्ण डायरेक्टली तो तुम्हें देखने वाले हैं नहीं, जगन्नाथ जी विल नॉट लुक एट अस डायरेक्टली, यू नीड टू हैव सम डिवोटी फ्रेंड. हैं, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? बहुत कुछ है बताने को, शॉर्ट.
महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने और रामानंद राय जी ने क्या किया है, उनकी ओर से अप्रोच लगाई है महाप्रभु को। अदरवाइज प्रताप रुद्र जी डायरेक्ट महाप्रभु को मिलना चाह रहे हैं, महाप्रभु ने बोला देखूंगा भी नहीं। भक्तों ने क्या किया, महाराज प्रताप रुद्र की महिमा गाई, देखो देखो हे गौर हरी हे गौर सुंदर, महाप्रभु खुश हो गए हैं और लाइट आ चुकी है। ठीक है जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Let me just turn off the light, we don't need the light, do we? एक मिनट। ऐसे ही डांस करने का मन करता कर दिया, ठीक है ना, हरी बोल बोलो। डांस इसलिए क्योंकि बाई चांस दो तीन इधर उधर हो रखी है ना, तो ठीक हो जाएगी। या ऑल कूल, ऑल ओके, राइट। How much time do we have? 10 minutes? Never ending time. हाँ, तो मैं कह रहा था कृष्ण आपकी ओर देखने वाले नहीं है जब तक आपकी तरफ आपके पास कोई recommendation होगा, कोई recommendation letter होगा from a pure devotee. Recommendation letter से याद आ रहा है, जैसे कोई ट्रांसफर करता है ना एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, या कहीं आपको ट्रांसफर चाहिए होता है, सो उस टाइम हमें क्या चाहिए होता है, वो बिहेवियर क्या बोलते हैं उसका, मेरे को बिल्कुल दिमाग से निकल रहा है कि बिहेवियर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लाइक कोई भी दूसरी फील्ड में भी यू नो यू नीड एन रिकमेंडेशन लेटर दैट आई एंड आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय दिस सो एंड सो। या मान लो आप कहीं जाते हो, इफ़ यू हैव टू गो टू अब्रॉड, आपको अब्रॉड जाना है, तो वहां से एक रिकमेंडेशन लेटर आती है। वाह क्या बात है यार, एग्जाम्पल आ गया, मिल गया। अगर आपको विदेश जाना है भाई साहब, तो जिनके आप घर रुकोगे या जहाँ रुकोगे, तो वो ना फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर भेजते हैं कि डूड आई नो दिस पर्सन, अच्छा बच्चा है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रहेगा, हमारे साथ ये रहेगा, ऑल दैट है, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर। If you have that recommendation letter, the process becomes easy. है ना? हाँ, तो conduct certificate लिखा है, but yeah, मेरे को याद आ गया, character certificate, हमारे यहाँ character certificate बोला जाता है. So the process becomes easy if you have a recommendation letter. Yes or no? बहुत simple example मैं आपको बोल रहा हूँ. उसी प्रकार से इफ यू हैव एन रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द गोस्वामीज, फ्रॉम द गुरु परंपरा, फ्रॉम योर गुरु महाराज, है ना, इफ यू हैव रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम ए सीनियर डिवोटी, देन कृष्णा माइट कंसिडर, सॉरी नॉट माइट, आई करेक्ट माई सेल्फ, कृष्णा विल, इट्स नॉट माइट कंसिडर, कृष्णा विल कंसिडर ओनली यू और एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, ठीक है, वेन यू हैव ए रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम डिवोटीज। इसलिए कहा जाता है कि साधु का संग कर ले, साधु का संग सर्व शास्त्र को है, सब शास्त्र कह रहे हैं, लव मात्र साधु संग, लव मात्र का मतलब जितनी देर आंख पलक झपकने में लगती है ना, उतना सेकंड के लिए अगर आपने किसी प्योर डिवोटी के साथ संग कर लिया, कृष्णा विल एक्सेप्ट यू, कृष्णा विल हग यू, कृष्णा विल से ये मेरी टोली का है, ये मेरे फ्रेंड है, ही इज ऑन माई टीम। एंड वंस श्रीला प्रभुपाद जी वॉज लुकिंग एट अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर, और उस पिक्चर में पेंटिंग की हुई थी भक्त ने कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के तट पे प्रसाद खा रहे हैं, सब खेल रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जी लुक्ड एट द पिक्चर एंड प्रभुपाद सेड वी नीड टू बी ऑन दैट साइड। मतलब हमें जीवन का, किसी ने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है प्रभुपाद जी, वट इज द गोल ऑफ लाइफ, है ना, वट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ, श्रीला प्रभुपाद लुक एट दैट पिक्चर एंड सेड, प्रभुपाद सेड द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज टू कम इन कृष्णस टीम, टू बिकम ए पार्ट ऑफ कृष्णस गैंग, टू सिट इन दैट सर्कल विद कृष्णा, लुकिंग एट कृष्णा, ईटिंग विद कृष्णा, डांसिंग विद कृष्णा, प्लेइंग विद कृष्णा, दैट इज आवर अल्टीमेट पर्पज। सो दैट अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ कैन बी अचीव बाई एसोसिएटिंग विद डिवोटीज हु कैन मेक यू सिट नियर टू कृष्णा,
feel Krishna, talk to Krishna, love Krishna. But that can happen only when you have association of devotees. Example, Chaitanya Mahaprabhu accepting Pratap Rudra Maharaj. Number two, श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के कारण ही गौर हरि सचिनंदन ने, गौरंग महाप्रभु ने किसको एक्सेप्ट किया था? जगाई और मधाई को. गौरंग महाप्रभु ने तो सुदर्शन चक्र निकाल दिया था उनका गला काटने के लिए. नित्यानंद महाप्रभु, हे नो निताय बिनु भाई, राधा कृष्ण पाई ते नाई. एनो निताय भिनु भाई. देखो, हमारे हमारे आचार्यों ने सब कुछ दे दिया हमें. कितने तत्व से बता रहे हैं जो ये बात बोला जा रहा है कि गुरु के बिना निताय जो है नित्यानंद महाप्रभु, बलराम जी जो है, बलराम पूर्णिमा आने वाली है, बलदाऊ भैया हमारे, उनके कृपा के बिना कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते हैं. तो हेनो निताय बिन भाई, राधा कृष्ण पाई तेनाई. कोई भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई भी कृष्ण से दोस्ती नहीं कर सकता जब तक निताय की रिकमेंडेशन ना हो, जब तक गुरु की रिकमेंडेशन ना हो. तो हेनो निताय बिन भाई, राधा कृष्ण पाई तेनाई. गौर हरि जगाई मधाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. नित्यानंद महाप्रभु अति कृपालु है, है ना. नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, क्षमा कर दो हे गौर हरि, मैं कह रहा हूं, माथे से खून टपक रहा है, लेकिन गौरंग महाप्रभु ने कहा जगाई मदाई को तुम्हें मार डालता मैं, लेकिन निताई ने क्योंकि तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो तुम मेरे अपने हो. महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया तो उनका जो तप्त कांचन गौरंगी, उनका जो गौरंग वर्ण है, महाप्रभुज कलर इज गोल्डन कम्प्लेक्शन. दैट गोल्डन कम्प्लेक्शन बिकेम ब्लैक कम्प्लेक्शन क्योंकि महाप्रभु ने जगाई और मधाई दोनों के पाप अपने ऊपर ले लिए. सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. इफ यू बिकम फ्रेंड्स विद कृष्णा टुडे ऑन फ्रेंडशिप्स डे, कृष्णा विल टेक ऑल योर सिंस. जैसे गौरंग महाप्रभु ने जगाई और मधाई के लिए थे, राइट. सो फोर्थ इज बिकम make friendship with devotees. So ask yourself, do you have any one devotee in your life who can give you that recommendation letter that can be sent to Radha Shyam Sundar, that can be sent to Jagannath Baladev and Subhadra Maharani? As soon as Krishna sees that recommendation letter coming from his pure devotee, he will literally accept you and hug you and make you come in his team. And the last but not the least is a small point, but it's a very important point. Please, it's high time we all make friendship with our Sanskriti. हम इतने cool ना बन जाएं, इतने cool dude ना बन जाएं, है ना, कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपनी विरासत को, अपने कल्चर को भूल जाएं. I request all the youth out there who are listening to me, please, let's make friendship with our culture, with our very own Sanskriti. इसका मतलब क्या होता है? Many, many points I would like to say, but there are some points that I'm sharing with you that you can understand what I mean. Once in a week, please do wear traditional clothes. You are free to wear your tops, you are free to wear your jeans, you are free to wear whatever you want to wear. But हफ्ते में एक दिन तो ऐसा हो जब आप अपने सूट को, अपने साड़ी को, अपने कुर्ते, अपने पजामे को, अपने धोती को फ्लॉन्ट करो. जो ब्यूटी हमारे ट्रेडिशनल क्लोज में है वो कहीं नहीं है, किसी में नहीं है. ये भूल जाओ अपने दिमाग से कि मैं दादी लगूंगी अगर मैं सूट पहनूंगी या मैं साड़ी पहनूंगी, मैं तो भिखारन लगता हूँ जब मैं कुर्ता और पजामा पहनता हूँ. इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू थिंक अबाउट. एंड ट्रस्ट मी, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ. व्हेन यू सी गर्ल्स इन ट्रेडिशनल क्लोथ और व्हेन यू सी गाइज इन ट्रेडिशनल अटायर, अलग ही स्वैग है, एक अलग ही फील आती है. क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी, है ना. दिल तो हिंदुस्तानी है. ऊपर से जितना मर्जी आप मेकअप कर लोगे, ऊपर से जितना मर्जी आप टशन दिखा दोगे, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. तो हिंदुस्तान हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो, तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी धोती है, हमारे कुर्ते हैं, साड़ियाँ हैं, सूट हैं, दैट्स आवर कल्चर. सो लेट्स मेक फ्रेंडशिप विद आवर कल्चर, विच मीन्स फर्स्ट आई वुड वॉन्ट टू शेयर once in a week, or maybe it could be more than once in a week. Give me one second, please. Huh? Yeah, so that's the problem. आप भी सोचते होंगे ना कि प्रभु जी पागल है कि पंखा बंद करके क्यों रखते हैं, इनको क्या शो ऑफ करने का ज्यादा वो आता है पसीने में. सी इफ आई, अब लाइट चली गई है और अब लाइट में इन्वर्टर तो चलता है, तो
लेकिन अब इन्वर्टर ना वो वाली आवाज़ करेगा तो फिर डिस्टर्बेंस बहुत आती है, राइट? सो गाइस, डू यू अग्री विद मी? यस यस यस, कमेंट कर दो, मैं भी तो देखूँ. विद यू, वुड यू वॉन्ट टू वेयर आवर यू नो ट्रेडिशनल अटायर्स वंस इन अ वीक एटलीस्ट? इट कुड बी मोर. कमेंट करके बताओ. आई फील रियली नाइस व्हेन आई रीड योर कमेंट. बिल्कुल लिखा है मौसमी घोष ने. You can even send me pictures if you feel comfortable. Whenever you, what do you call, wear your traditional dhoti kurta pehnoge na, ya aap kuch bhi pehnoge, suit, saadi wagera and all that stuff, to usko aap photo khich ke aap mere ko tag kar dena. I'll share it on my stories also. Youth going traditional, you already all traditional, aisa thodi na hai. Yes, 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 kaha hai kisne. Disha Chatterjee ne, Sarvika Narula is in the house and Abhishek bhi yes bol raha hai, right? To iska koi hashtag bata do yaar, कि ये हैशटैग लिख के आप फोटो पोस्ट कर सकते हो और वो हैशटैग हम सब का रहेगा. सो हम, हमें पता लग जाए ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. मैं भी कर दूंगा कभी हैशटैग करके, वो फोटो डाल दूंगा. ओके, सो नंबर वन इज प्लीज वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एटलीस्ट वंस इन अ वीक. ओके, नंबर टू इज होल्ड कीर्तन पार्टीज एट होम. या व्हाई नॉट, दैट्स सो कूल. सो ये हैशटैग वाला मेरे को बांध बता देना, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट इज दैट आई वांट यू टू मेक फ्रेंडशिप विद इज एज यू होल्ड पार्टीज एट होम. यू नो बर्थडे पार्टीज होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, आजकल तो ब्रेकअप पार्टीज भी होने लग गई है. वंस इन अ वीक नहीं तो वंस इन अ मंथ एटलीस्ट, और आफ्टर 15 डेज अ गुड आइडिया वुड बी ऑन एवरी एकादशी. दैट मेक्स इट टू डेज, मतलब ट्वाइस इन वन मंथ कीर्तन पार्टी हो सकती है घर पे. सी यू डोंट नीड टू टेल एनीवन कि आप, सी दिस इज, आप उनसे भी भक्ति करवा लोगे, उनको भी कृष्ण से दोस्ती करवा दोगे और आपके घर का एनवायरनमेंट कितना सुंदर हो जाएगा, कितना अमेजिंग हो जाएगा. यू हैव नो आइडिया. इफ यू हैव सीन सम कीर्तन पार्टीज ऑफ माइंड गोइंग टू पीपल्स होम्स एंड गोइंग टू डिफरेंट सिटीज, दुर्गापुर में मैंने आके कीर्तन पार्टी करी थी, भुवनेश्वर में मैंने आके करी थी और पंजाबी भाग में आके मैंने कीर्तन पार्टी करी थी. सो इट्स सो कूल, इट्स सो अमेजिंग. सो आप एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, इसको रैंडम कुछ आइडियाज मैंने फटाफट नोट डाउन किए थे कि एकादशी के दिन, तो ये महीने में दो बार हो गया, ज़्यादा भी नहीं होगा कि सती सावित्री सारे के सारे भक्तिन बन गई मेरे घर में. महीने में दो बार कीर्तन होगा, पता भी नहीं लगेगा और सबको अच्छा भी लगेगा. और आज GKD की बात लिखवा लो, जब ये दो बार कीर्तन आपके घर में हो गया ना महीने में, अगली बार घर के सदस्य ही बोलेंगे कि यार यार वो कीर्तन कब होगा, अगला कीर्तन कब है, एकादशी कब आ रही है. तो इस बहाने से आपने घर में कीर्तन इंट्रोड्यूस किया, इस बहाने से आपने घर में एकादशी इंट्रोड्यूस कर दी, तो बातों बातों में एक दिन एकादशी का प्रसाद ही बना देना कि मम्मी मम्मी अरे आज तो घर पे ना ऐसा प्रसाद बनाना चाहिए मम्मी, ये वाला ये देखो ये मेन्यू बना के देखते हैं आज हम, है ना, सांभर की खिचड़ी, ये पनीर की सब्जी बना लेंगे और है ना खीर बना लेंगे. आप उनसे अनमत बनवाना, तो इस प्रकार से आपके घर में कीर्तन इंट्रोड्यूस हो गया और एकादशी भी इंट्रोड्यूस हो गई. सो यू कैन सेंड मी फोटोग्राफ्स ऑफ योर्स कीर्तन पार्टी, हैशटैग कीर्तन पार्टी, घर के घर में आप कीर्तन करवा सकते हो. दैट कुड बी अ नाइस आइडिया. थर्ड इज टेक योर फ्रेंड्स टू टेम्पल्स और टेक योर फ्रेंड्स टू यात्राज द नेक्स्ट टाइम यू प्लान, यू नो. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कीर्तन पार्टी एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यात्रा पार्टी, है ना. आप दोस्तों को घुमाने के लिए जब सब एक बार आप उनके साथ भी चले जाओ, कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जा रहे हो, थाईलैंड लेके जा रहे हो, चलो चल चलते हैं थाईलैंड चलाते हैं. चलो मेरी बारी, अब देख अब मैं तेरे को लेके चलता हूँ, ले जाओ उनको वृंदावन, ले जाओ उनको जगन्नाथपुरी, ले जाओ उनको तिरुपति, है ना. सो ऐसे ऐसे हैशटैग आवर ट्रेडिशन, आई लाइक दिस वन, सुनीता शर्मा जी, दिस इज नाइस, आवर ट्रेडिशन, हैशटैग आवर ट्रेडिशन. तो हैशटैग ट्रेंड विद GKD केशव अग्रवाल भाई ने ऐसे शेयर किया, नाइस नाइस, आई विल रीड देम, देखते हैं हम कुछ ना कुछ कर देंगे. तो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, सेव योर संस्कृति और लव योर संस्कृति, बिकम फ्रेंड्स विद योर संस्कृति, दैट यू टेक योर फ्रेंड्स टू धाम्स, यात्राओं पर लेके जाओ, मंदिर से जुड़ो और खुद भी जाओ. नंबर फोर इज या मेक फ्रेंडशिप विद योर स्क्रिप्चर्स, जो हमारे शास्त्र हैं. वी आर सो लकी टू बी बोर्न इन भारत, हमारे पास वेद हैं, हमारे पास पुराण है, हमारे पास भगवद्गीता है, हमारे पास भागवत है, हमारे पास ईशोपनिषद है, हमारे पास भक्ति रसामृत सिंधु है, हमारे पास हरि भक्ति विलास है,
अमेरिका में ये सब नहीं पता इन लोगों को, चाइना में, यूरोप में, लंदन में, व्हाट इज ऋग्वेद, व्हाट इज पुराना, वी डोंट नो अबाउट इट. हमें पता है, द प्रॉब्लम इज वी हैव नॉट बिकम फ्रेंड्स विद देम. जिसके साथ आप फ्रेंडशिप आप करते हो ना, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद देम. सो मेक फ्रेंडशिप विद आवर स्क्रिप्चर्स, स्पेंड टाइम विद भगवद्गीता, स्पेंड टाइम विद भागवतम. सो मेक इट अ पॉइंट टू रीड एटलीस्ट वन श्लोक ऑफ भगवद्गीता डेली, इफ नॉट डेली मेक अ शेड्यूल, बट पढ़ो, राइट. एंड ऑफ कोर्स या सो द लिस्ट इज एंडलेस, बट टू मोर आई विल जस्ट शेयर. जब आपको टाइम लगे प्लीज गो एंड डू सम सेवा इन गौशालाज. गौशालाओं में जाओ, विजिट गौशालाज, है ना. यू नो द काउ इज नॉट एन ऑर्डिनरी एनिमल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी डेमी गॉड. सभी देवी देवताएं गौ माता में समाते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ काउज वी कैन ऑल्सो डिस्कस, बट एज सुन एज यू पे प्रणाम देन यू वर्शिप गौ माता. सो तो इट कम्स इन वन ऑफ द सेवन मदर्स, जैसे मैंने आपसे शेयर किया हुआ है. तो गौ सेवा भी कीजिएगा आप, यू नो. And last but not the least, of course, visit old homes also and help the needy. And basically, apni sanskriti ke saath, apne culture ke saath, it's time we become, you are friends, it's time to become stronger friends and make this friendship, make this bond even more stronger, right? So I'll end my session today over here. Thank you so much. A small recap of what we all discussed. Ek chota sa recap kar lete hain. I have requested all of you on this Friendships Day to make friends with five things, five people or five things that you could say. Sabse pehle hain Krishna. Krishna apna haath extend kar rahe hain. Duryodhan ko bhi kiya, Arjun ko bhi kiya. Krishna se mitrata kijiyega. Dusra hai Bandur Atmastanastasya Yanatmev Atmanajita. Apne man se Bhagwan Shri Krishna keh rahe hain mitrata kariye. तीसरा मैंने आपको बोला कि मन से मित्रता कैसे करोगे, आप चैंटिंग अपनी माला को उठाइएगा. और चैंटिंग कैसे कॉस्ट सेविंग है, बैड हैबिट से बचाती है, मैंने आपको बताया. फोर्थ मैंने आपको बताया साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है. भक्तों के साथ मित्रता कीजिएगा, बिकॉज भक्तों के साथ जब आप मित्रता करोगे वही आपको रिकमेंडेशन लेटर देंगे. और ये वाला रिकमेंडेशन लेटर बहुत पावरफुल पॉइंट है, एकदम अचानक निकल गया था वो कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट के पॉइंट से, वही आपको रिकमेंडेशन लेटर देंगे और कृष्ण आपकी इस मित्रता को स्वीकार करेंगे. हे नो निताई बिन भाई राधा कृष्ण पाहिते नाई. और पांचवा द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्लीज मेक फ्रेंडशिप विद योर कल्चर. अपनी संस्कृति को याद कीजिएगा एंड मेक दिस बॉन्ड इवन मोर स्ट्रॉन्गर. दिस इज योर वेरी ओन, योर फ्रेंड फॉर एवर, एंड आई प्रोमिस टू रिमेन योर फ्रेंड फॉर एवर. इवन इफ यू डिच मी, इवन इफ यू गॉसिप अबाउट मी, इवन इफ यू स्पीक इल अबाउट मी, इवन इफ यू स्पीक बैड अबाउट मी, सबकी लाइफ में होता है. आई एम नॉट एनी स्पेशल पर्सन. मेरे लाइफ में भी बहुत सारे दोस्त आए हैं, और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ अब वो दोस्त दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बाद में पता लगा कि ये दोस्त जो मेरे साथ खड़े हुए थे या जो मेरे साथ थे वो अपने ही मतलब के लिए थे, अपना काम निकालने के लिए थे. बट टुडे इज़ नॉट द डे टू रिमेंबर ऑल दोस काइंड ऑफ फ्रेंड्स. येस यू मे बी चीटेड, येस यू मे बी लेट डाउन. ये ऐसे ऐसे दोस्त जब हमारे लाइफ में आते हैं वही हमें याद दिलाते हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है. सुरिद्र सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. जीवन में आनंद शांति तभी आएगी जब जगन्नाथ जी से मित्रता हो जाएगी. थैंक यू सो सो मच. आई एक्चुअली लिटरली नॉट जस्ट फॉर वर्ड्स, आई लव यू ऑल. हाथ उठा लो सभी महामंत्र का कीर्तन करके वी विल एंड दिस सेशन. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच. आई होप आपको इस सेशन से बहुत हेल्प मिली होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा, एंड यू फील मोर इंस्पायर्ड टू बिकम फ्रेंड्स विद कृष्णा. चलता हूँ यार, प्रसादम टाइम है ना. वो बोला था मैंने वो पार्टनर इन कीर्तन, पार्टनर इन सेवा, पार्टनर इन यात्रा.
partners in Prashadam. It's time to meet my best friend Prashadam. जी के डी शेयर करना मत भूलना, मैं बता रहा हूँ.